স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া ভবঘুরেদের পাশে দাঁড়ালেন রেল পুলিশ কর্মীরা। রামপুরহাট স্টেশন চত্বরে আশ্রয় নেওয়া গৃহহীন ভবঘুরেদের পেট ভরে খাওয়ালেন রেল পুলিশ কর্মীরা। आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे स्टेशन के आसपास में बहुत से भूखे लोग, जिसको यहाँ के लोकल पब्लिक मिलके, इवन आप लोग रिपोर्टर लोग भी सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। उसी को देखते हुए हम लोग भी आरपीएफ इन रामपुर हाट की तरफ से सभी स्टाफ और ऑफिसर मिलके छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करके, और हम लोग भी कोशिश किए हैं कि जहाँ तक हो आसपास के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं स्टेशन के आसपास में जो रह रहे हैं, कोई भूखा ना रहे, और अपने तरफ से जितना तक सहयोग है हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी स्टेशन के आसपास में भूखा ना रहे। क्या क्या मिला हो इसमें? हम लोग सबसे पहले कोशिश किए कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब का भी है, देश में सभी लोग का है कि मास्क सबसे नेसेसरी है, तो मास्क सबसे पहले हम लोग मास्क मार्केट से लिए खरीद के, और कुछ अपने खुद से भी बनाया गया, तो मास्क लेके मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और साथ में सबसे ज़रूरी मास्क से साथ सोप का है, साबुन का है, मास्क और साबुन दोनों को हम लोग प्रोवाइड किए, और दोनों देने के साथ इन लोगों को समझाया कि मास्क आपको 24 आवर्स पहने रखना है, और हाथ धोना है इस साबुन से, उसके बाद खाना को खाना है। उसके बाद हम लोग खाने का छोटा मोटा व्यवस्था किए, और हम लोग ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग अपने तरफ से करेंगे। हमारे PCSE साहब भी, उनका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपके स्टेशन के आसपास में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। हमारे सीनियर DC साहब रंजीत कुमार त्रिपाठी साहब, उनका भी इंस्ट्रक्शन है कि आसपास में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। कैसा लग रहा है ये करके? ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं खुद में ये यूनिफॉर्म में कर रहे हैं, इससे भी आसपास के लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है।